हेलो एवरीवन, आज है 24 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शेयर है 46 रुपीज के ऊपर आ चुका है। आज एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन साथ साथ आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है बैंक ऑफ बड़ौदा में फंड रेजिंग को लेकर। देखिए, एक बहुत बड़ी फंड रेजिंग होने वाली है बैंक ऑफ बड़ौदा में और काफी बड़ा अमाउंट है ये। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इस खबर से शेयर में कुछ तेजी आने की उम्मीद है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू कर उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा अभी 46 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में 16% की गिरावट है और एक महीने का सबसे बड़ा लो जस्ट अभी बना है 46 रुपीज का। पिछले एक साल की भी बात करें तो एक साल में 62% की गिरावट है। 140 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया है और अभी एक साल का लो भी जस्ट अभी बना है 46 रुपीज का। 3 साल में 74% की गिरावट है, 195 रुपीज तक का हाई है और सबसे बड़ा लो अभी बना है 46 रुपीज का। 10 साल की भी अगर हम बात कर ले तो बैंक ऑफ बड़ौदा में पिछले 10 साल का जो परफॉर्मेंस है उसमें 10 साल का भी सबसे बड़ा लो जस्ट अभी बना है, 225 रुपए तक का हाई। इससे पहले देखिए, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, 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 गिरावट आई, बाउंस बैक किया। अभी बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो भैया, मार्केट कैप देखे तो लार्ज कैप स्टॉक जरूर है, 22,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखेंगे तो 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा एक बहुत ही बड़ी सरकारी बैंक है, डेफिनेटली काफी बड़ा उनका मार्केट कैप भी है यहाँ पर। और आप देखिए, शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 71.60% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 4.57% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 10.01% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.56% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 9.88% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 25 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 170 एफआईएस ने पैसा लगाया है, प्रमोटर भी थाईएस होल्डिंग की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जिनके पास 71.60% की होल्डिंग है, क्योंकि भैया सरकारी बैंक है ये। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर की बात करें भैया एचडीएफसी ट्रस्टी है जिनके पास 3.58% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.70% के आसपास देखने को मिल रही है। 60% का डिविडेंड इन्होंने 2017 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। यहाँ पर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो भैया बहुत बड़ी खबर है कि भैया बैंक ऑफ बड़ौदा 13,500 करोड़ रुपए का फंड रेज कर रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑन फ्राइडे, मतलब आज की ही ये खबर है, सेड इट्स बोर्ड हैज अप्रूव्ड रेजिंग अप टू 13,500 करोड़ बाय 2020-2021। तो भैया इसी साल में ये लोग 13,500 करोड़ का फंड रेज करने वाले हैं और बोर्ड की तरफ से उनको अप्रूवल भी मिल चुका है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आउट ऑफ बैंक्स इन इस मीटिंग हेल्ड टुडे, मतलब आज इनकी मीटिंग हुई थी 24 अप्रैल 2020 को, कंसीडर्ड एंड अप्रूव्ड रेजिंग ऑफ एडिशनल कैपिटल फंड अप टू 13,500 करोड़ अप टू मार्च 31, 2021। तो देखिए, बहुत बड़ा टाइम है कि भैया 31 मार्च 2021 से पहले ये सारी की सारी प्रोसेस कर ली जाएगी। द कैपिटल रेज विल बी कॉम्प्रोमाइज ₹9,000 करोड़ बाय वे ऑफ कॉमन इक्विटी कैपिटल बाय वेरियस मोड्स इंक्लूडिंग क्यूआईपी एक्सेट्रा एंड सूटेबल स्टेज ऑफ ₹4,500 करोड़ विल बी वे ऑफ एडिशनल टायर टू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनल इंटरचेंजेबिलिटी ऑप्शन इश्यूड इंडिया वर्सेस सूटेबल ट्रांजिशन। देखिए, क्यूआईपी के द्वारा भी ये जुटाया जाएगा और भी कई सारे इनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो इन शॉर्ट 13,500 करोड़ रुपए का फंड रेज होने वाला है, लेकिन फंडरेज की जो सीमा है, समय सीमा, वो काफी बड़ी यहाँ पर बताई जा रही है कि भैया इतने वक्त में हम इतना बड़ा फंडरेज करेंगे। अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 70% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 26% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। और तो और यहाँ पर अगर हम देखें तो दिसंबर क्वार्टर में काफी बड़ा लॉस इनको हुआ था, 1,400 करोड़ का, सितंबर में 700 करोड़ का प्रॉफिट, जून में 700 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन मार्च में अगेन 1,000 करोड़ का लॉस हुआ इनको। दिसंबर में फिर से 470 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था,
तो देखिए, अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो भैया लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। बैंक ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन एक ही चीज बैंक ऑफ बड़ौदा को बचाती है, वो है ये है कि भैया सरकारी बैंक है ये, अगर कुछ भी होगा तो सरकार पैसा डाल देगी। लेकिन उसके बावजूद मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं आपको यही कहूंगा कि भैया अगर आपको खरीदारी करनी है भी किसी भी सरकारी बैंक में, तो आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुने, उसके अलावा और किसी भी बैंक में खरीदारी करने की भूल से भी गलती ना करें। बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे अभी भी लगता है कि इनका जो बॉटम है वो बना नहीं है, अभी भी शेयर में गिरावट आने के चांसेस जरूर है। लेकिन एक चीज कहूंगा कि अगर आपने गलती से ये शेयर खरीद भी लिया है और आप बहुत बड़े लॉस में हो, तो लॉस में शेयर में निकलने का कोई फायदा नहीं है। जरूर आप वेट करें सिचुएशन नॉर्मल होने का, कोरोना एक बार खत्म हो उसका आप वेट करें, बैंक में थोड़ी बहुत तेजी जरूर लौटेगी और आपका पैसा थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एडिशनल एवरेज करने की या फिर यहाँ पर मैं आपको फ्रेश बाइंग करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने हमेशा कहा है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर और मैंने कहा था, और इवन कोरोना के वक्त भी बनाया था, मैंने कहा था कि भले इसमें गिरावट आई है लेकिन बॉटम बना नहीं है, अभी और बॉटम बन सकता है, और आज बॉटम बना भी है और अभी भी और नीचे शेयर जा सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड करें, जल्दबाजी ना करें कि भैया मौका छूटा जा रहा है, क्योंकि कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं छूटा जा रहा है। जरूर आपको मार्केट में निवेश करने के और भी बढ़िया मौके मिलेंगे आने वाले दिनों में, पैसा है तो बचा के रखिए। अभी के वक्त में बैंक ऑफ बड़ौदा को खरीदारी करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। अभी आप एक ही काम कर सकते हैं कि भैया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टेक और स्टॉक को ही आप चुने और उन्हीं में खरीदारी करें, और बैंक ऑफ बड़ौदा किसी भी एंगल से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग में नहीं आता है हाल की सिचुएशन में। अगर कोरोना से अगर हम अगर पूरा का पूरा देश आजाद हो जाता है, निपट जाता है कोरोना, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा स्टॉक बनने की कगार पर जा सकता है। लेकिन अभी तो मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा उतना सेफ नहीं लग रहा है खरीदारी करने के लिए। बाकी मर्जी आपकी है, आपको रिस्क लेना है तो आप खरीदारी कर सकते हो, मैं इसको अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।